तो मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों और दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने जाऊँगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, को प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्राइम नंबर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन प्राइम नंबर से थोड़ा सा अलग है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पता करना है। को प्राइम नंबर, अभी इसमें को प्राइम नंबर्स में आप देखोगे, को प्राइम नंबर्स में कोई एक सिंगल नंबर्स नहीं होता, यह एक पेयर होता है। इसमें कम से कम दो नंबर होते हैं। तो को प्राइम नंबर में क्या होता है, को प्राइम नंबर में कोई भी जो दो नंबर होगा उसका HCF वन होना कंपलसरी होता है। तो इसमें आप देखेंगे को प्राइम नंबर सर्च करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग को बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन इसमें आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूँ कि को प्राइम नंबर आप देखेंगे, कोई भी इवन और ऑड नंबर, कोई भी इवन और ऑड नंबर आप लेंगे, जैसे इवन मैंने ले लिया 14 और ऑड ले लिया 15, बट वो दो नंबर्स कंटिन्यूस में होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, वो दो नंबर कंटिन्यू होना चाहिए, ना कि गैप हो। इवन नंबर 14 ऑड 15, कोई भी नंबर इवन, जैसे मैंने ले लिया 52 और ऑड ले लिया मैंने 51, तो आप देखेंगे ये भी दो नंबर को प्राइम है। जब आप सर्च करेंगे तो ये दो नंबर का आपका HCF जो होगा वो वन ही होगा। तो ये होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर याद रखिएगा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि HCF जिसका वन होना चाहिए, जैसे एग्जांपल 14 एंड 15, 52 एंड 51। तो कोई भी दो कंटिन्यूस नंबर लेना है आपको और वो आपका को प्राइम नंबर्स का पेयर्स हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना कि कोई भी प्राइम नंबर और कोई भी दूसरा नंबर जो कंपोजिट हो, वो दो नंबर भी आपका को प्राइम हो सकता है। जैसे कि मैंने 3 ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने 5, तो ये भी को प्राइम नंबर हो सकता है। दो प्राइम नंबर को भी आप को प्राइम बना सकते हैं। तो इस तरह को प्राइम नंबर में एक ही चीज़ ध्यान रखना है, HCF, ऐसे दो नंबर लेना है जिसका HCF 1 हो और कुछ ना हो। धन्यवाद।